डस्ट टच कर रही है। आई डोंट नो कैसे उठेगी अभी ये। उफो यार बहुत शॉट लेना चाह रहा था बट गाड़ी स्टैंड पे रुकी नहीं, कैमरा भी ऑन नहीं था, कैमरा भी ऑन करा। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस काफ़ी लोग बोल रहे थे काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा एक अपनी NS पे सेंटा पे एक वीडियो बना देते हैं, तो वीडियो देखते हैं कैसी बनती है। अभी फिलहाल शूट करते हैं अपना कंटिन्यू। तो गाइस आज हम फाइनली सेंटा पे शूट करने निकले हैं और आप लोगों को फुल सेंटा का फुल रिव्यू देंगे आप लोगों को कि मुझे इस कलर में 2022 में ये बाइक मुझे कैसे मिल गई। तो काफ़ी बंदे सोच रहे होंगे कि मैंने बाइक फर्स्ट हैंड परचेज की है, बट मेरा बजट इतना नहीं था और मेरी अभी इतनी सैलरी भी नहीं आ रही है यूट्यूब से कि मैं फर्स्ट हैंड बाइक अफोर्ड कर सकूँ। तो गाइस ये मैंने सेकेंड हैंड परचेज की है और मुझे बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिली है, और जिस बंदे ने भी ये बाइक रखी हुई थी वो बहुत ही प्यार से एकदम तमीज़ से रख रखी थी, जिसने भी ना किसी ने रफ एंड टफ यूज़ कर रखी थी। अभी टायर भी इसमें कंपनी फिटेड ही है, आप लोगों को पूरा रिव्यू दूंगा। गाइस बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस है इसका, मतलब किसी पे NS होगी ना तो थोड़ा एक सुपर मिनी बाइक का फील आएगा इस पर कभी। अभी मैं आपको फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड चेक कराता हूँ अपनी NS की, फर्स्ट गियर की, रुक जाओ, फर्स्ट गियर टॉप स्पीड फर्स्ट गियर की। तो गाइस 48 लास्ट टच करा इसने फर्स्ट गियर में 48 की स्पीड। तो गाइज फाइनली अपना सेंटा सामने खड़ा है हमारे, और देखने में व्यू आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इस समय हमारा सेंटा। मुझे इसका रेड कलर ही पसंद है, मैं नई बाइक भी ले सकता था बट मुझे ये वाला कलर चाहिए था, और ये वाला कलर अब नए सेगमेंट में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ही प्यारा कलर लगता है ये रेड कलर अपने NS का। और गाइज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो मैंने बाय करी है बहुत ही कम प्राइस में बाय करी है, तो आप लोगों को बता भी दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग आइए और आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि मैंने सेंटा कितने में बाय करी है। और गाइस ये गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बहुत ही, आप लोग टायर भी चेक कर सकते हैं, टायर की ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन है। आपको बैक टायर भी चेक कराता हूँ गाइस इसका। तो गाइस का बैक टायर चेक करिए, बैक टायर की भी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। और गाइस गाड़ी की परफॉर्मेंस एकदम ख़तरनाक, सिर्फ मुझे लेने के बाद ना सिर्फ इसमें सिर्फ 2000 रुपये लगाने पड़े, वो भी सर्विस के, जिसमें से इंजन ऑयल मॉड्यूल का मेरा 1200 रुपये का चेंज हुआ, बाकी सर्विस कॉस्ट लेबर चार्ज वगैरह तो वो सब मुझे 2000 रुपये खर्च करने पड़े। बाकी गाड़ी आप लोगों के सामने है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइए गाड़ी का व्यू कैसा आ रहा है। थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे अभी, इन्जॉय करना सिनेमैटिक शॉट्स। ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए फासले दरमियां। तो गाइस फिलहाल चलते हैं, अभी थोड़ी सी एक शॉर्ट राइड लेके आते हैं और आप लोगों को थोड़ा पिकअप वगैरह चेक कराते हैं गाड़ी का। तो काफ़ी अच्छी दिखने में है, थोड़ी बल्की सी है फ्रंट में और नेकेट है, तो नेकेट फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये पहले ऑटो को जाने देते हैं। तो गाइज इसमें और अपनी बेबी RS 200 में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि इसका फर्स्ट गियर सेकंड गियर ना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसके मुकाबले, बट उसका टॉप एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बिकॉज वो नेकेट नहीं है, वो फुल फेयरिंग बाइक है, तो उसमें से विंड ब्लास्ट बहुत ईजिली कटता है। तो गाइस इसका फर्स्ट गियर की पावर दिखाता हूँ, ये आगे से कैसे फ्लिप होती है वे, ये देख सकते हैं आप लोग कैसे आगे से उठने को होती है गाइस, बिल्कुल ही ऐसी ख़तरनाक वाली। आज से पहले कभी भी मैंने स्टॉपिंग वगैरह नहीं मारी है, बट इस पे बैठ के ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ईजी है सब कुछ। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप लोग कैसे उठ के चल रही है, मतलब एक बार और वे। अभी शुरू में तो थोड़ा डर भी लग रहा है, और ये हमारे घर के पास की लोकेशन आसन महराज, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत सारे लव बर्ड्स यहाँ पे घूमने आते हैं, और हम जैसे बंदे उनको रोज़ संडे नहा धो के उनको देखने आते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा रैप करते हैं गाड़ी, अल्टीमेट पावर, वाओ। तो गाइस इसकी
कितने बंदे हैं कि एक 200 सीसी कैटेगरी में इतनी अच्छी पावर मिल सकती है। मुझे नहीं पता था कि एनएस में सच में इतनी अच्छी पावर है। तो गाइज अभी स्टैंड पे लगा रहे थे गाड़ी, स्टैंड पे लगी नहीं, आई डोंट नो कैसे उठेगी अभी ये। उफ हो यार, गाइस यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी स्टैंड पे नहीं लग रही है, टेढ़ा था यहाँ पे। मैं थोड़ा बहुत शॉट लेना चाह रहा था बट गाड़ी स्टैंड पे रुकी नहीं, कैमरा भी ऑन नहीं था, कैमरा भी ऑन करा। तो एंड करते हैं गाइस व्लॉग का, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो गाइस आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी पता नहीं यार, सेल्फ भी नहीं ले रही है। स्टैंड भी हटा रखा। तो गाइज एक बार और खींच के दिखाते हैं आप लोगों को। कर रही है मतलब बहुत अच्छी पावर है गाड़ी में, इनिशियल पावर अल्टीमेट। बट प्रॉब्लम एक है इसमें कि टॉप एंड तक ले जाते ना, इसमें डर लगता है कि मतलब गाड़ी स्पीड वगैरह ना हो जाए, क्योंकि मेरी आर एस है कि बिल्कुल चिपक के चलती है रोड से। बट ये 110-115 के बाद एकदम हवा में हो जा रही है गाड़ी, तो थोड़ा चलाने में डर भी लग रहा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम लेकर चला रहे हैं तो विंड ब्लास्ट एकदम से मुँह पर आ रहा है। तो गाइज आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और इंस्टाग्राम पे आइए। बाकी अपनी सेंटा के बारे में आप लोगों को कुछ जानना है तो जो भी अपनी फैमिली में जुड़ना चाहता है प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आइए, और इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा प्यार दिखाइए, वहाँ पे 1K फॉलोअर्स कंप्लीट कराइए, बस थोड़े से रह गए 1K कंप्लीट होने में। तो होप करता हूँ गाइस आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे एग्ज़ाम चल रहे इसलिए मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग अपनी सेंटा पे बना देता हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी नया बंदा है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब तब करना, पहले मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करें, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऐसे प्यार दिखाते रहे। बी सेफ, राइड सेफ, बाय बाय।